इंटीग्रेशन में अपन सब्सटीट्यूशन कर रहे थे। सब्सटीट्यूशन में हमने पहले तो जनरल सब्सटीट्यूशन देखा कैसे कुछ एग्जांपल, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसे sec x का इंटीग्रेशन, tan x का है ना, cot का, cosec का, इन चारों के हमने रिजल्ट भी याद रखने हैं। फिर हमने कहा कि सब्सटीट्यूशन में एक तो होता है अलजेब्रिक, एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन से भी क्वेश्चंस होते हैं, उससे हमने कुछ एक दो क्वेश्चंस देखे भी, ठीक, तो वो चीज़ें ध्यान रखें। नाउ नेक्स्ट है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो सब्सटीट्यूशन करके डिराइव हुए हुए हैं और उस पे बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं कि वो हम देखते ही उसको कर देंगे कि हाँ क्वेश्चन ऐसे होगा। देखते ही मतलब ये नहीं कि देखते ही आंसर बता देंगे, आंसर निकालने में 3-4 मिनट चाहे लग जाए, बट देखते ही पता है कि ये क्वेश्चन ऐसे तो हो ही जाएगा, मतलब एकदम से पक्का पक्का पता है कि इस क्वेश्चन का तरीका करने का ये होगा। तो पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखते हैं, लिस्ट जो आपको ध्यान रखनी है, एक आध में प्रूफ करके बता दूंगा, बाकी प्रूफ कर सकते हैं, है ना, वो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, और उसके बाद उनका एप्लीकेशन क्या है, ठीक। तो सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले और अपने लिस्ट में ऐड कर लें इनको भी, जो आज हम अभी नो फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है ना, नो और फॉर्मूले। सबसे पहला डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है जी। दूसरा फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एल एन मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। तीसरा फॉर्मूला है डी एक्स के अंदर ए स्क्वायर प्लस या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका आएगा एल एन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये तीन फिलहाल एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। चौथा, ये तीनों कैसे हैं, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुरंत खटखट डिराइव हो जाएंगे। उसके बाद बिना रूट के, बिना रूट के अगर मान लो ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये अपन सब्स्टिट्यूशन से भी प्रूव कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को तो हम बिना सब्स्टिट्यूशन के कर चुके हैं। कैसे, नीचे दो फैक्टर करके एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ऊपर वाले को कैसे लिखा था हमने एक्स प्लस ए एक्स माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, टू ए का डिफरेंस आया था, वन अपॉन टू ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, दुकानें अलग अलग करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू ए एल एन के अंदर एक्स प्लस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यही आएगा। हाँ जी, इसका इंटीग्रल, यस सर, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक से भी कर सकते हो प्रूफ। वैसे हमने, मैं तो ये बताया कि ऐसे हम कर चुके हैं शुरुआत में बेसिक से, जब दो फैक्टर हो जाते हैं दोनों को ऊपर क्रिएट करके दुकानें अलग अलग कर लो, उससे यही आंसर आता है। अगर उल्टा हो जाए डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो भी यही होगा, उसका आंसर आएगा वन अपॉन टू ए एल एन ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, वो एक ही बात है एक्स प्लस एक्स माइनस ए, पहले देख लो। और छठा फॉर्मूला है प्लस साइन के साथ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, सही है। कैसे, ए स्क्वायर बाहर ले लोगे कॉमन, वन प्लस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, वो होगा टैन इनवर्स एक्स, लेकिन एक्स की जगह एक्स बाय ए है और डिवाइड में वन बाय ए आएगा, ए ए कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। हाँ जी, यस सर, और नहीं तो आप x को a tan थीटा रख के भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक। तो एक प्रूफ मैं दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से कर सकते हो, अल्टीमेटली क्वेश्चन ही हैं, बट आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है क्योंकि इन पे बेस्ड एग्जांपल्स हम करेंगे। इसके अंदर x की जगह ये साइन थीटा रख दिए मान लो, तो dx बराबर क्या हो गया, a cos थीटा d थीटा, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इंटीग्रल क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन
dx की जगह a cos थीटा d थीटा, नीचे a cos थीटा, ये कट गया, तो क्या बचा, थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन, वन बच गया, वन वन का इंटीग्रेशन थीटा प्लस c, और यहां से साइन थीटा बराबर x बाय a, तो थीटा बराबर क्या आ गया, साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। देखो कितनी इजीली प्रूव हो रही है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का एक तरह से एग्जांपल कह सकते हो, और उसके बाद इन छह रिजल्ट्स को टिपिकली हमें रटा होना चाहिए, रटा, ठीक है ना, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नो सर। तो ये छह नोट कर लो, तीन और बता रहा हूं, है ना, ये नो के नो अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना, घोटा मारना चालू कर देना आज से, बाकी उस पर बेस्ड प्रैक्टिस जितनी करोगे, क्वेश्चंस कर लोगे, तो अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगे, थोड़ा सा रिलेटेबल रखा करो, ठीक यार। एलन इसमें आएगा जब दो फैक्टर बनते हैं, ये टेन इनवर्स टाइप है तो इसमें टेन इनवर्स आएगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको याद है 1/√1 − x² होता है, तो इस टाइप में साइन इनवर्स टाइप आएगा, है ना, ये दो ऐसे आएंगे, थोड़ा सा हल्का सा रिलेट करके रखते हो, तो एकदम ब्लाइंडली रटने की जरूरत नहीं होती। और बाकी इस पे बेस्ड अभी तीन फॉर्मूले हो रहा है, उन्होंने नो फॉर्मूला पे बेस्ड है एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो कर लोगे तो आपकी 7.4 भी हो जाएगी, ठीक है ना। यस सर। और बोर्ड वाले बच्चे भी वो जरूर कर लें, बिकॉज वो टिपिकल टाइप की है जो आनी है। हाँ जी बता दे इसे। यस सर। यस सर। तू लेट ही क्यों जगता भाई मेरे, ठीक। अब देखो सबसे पहले क्या था, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक रूट में था, फिर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक था, अब न्यूमिनेटर में क्वाड्रेटिक होगी तो उसका तो कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही इंटीग्रेट हो जाएगा, रूट में क्वाड्रेटिक होगी तो उसके फॉर्मूले हैं, सेवंथ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, या उससे भी पहले रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एट्थ वाला होगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और नाइन्थ होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इन तीन के फॉर्मूले और आएंगे, क्या ये बात क्लियर है। अब देखो मैं तीनों को आपको याद करने का फॉर्मेट बताता हूं कि कैसे रटे, है ना, याद रटे भी तो कैसे रटे, तीनों में एक चीज कॉमन है, सिमेट्री है, कि ये वाला फैक्टर तो आएगा ही आएगा, मतलब जो क्वेश्चन में जिस चीज का आपसे इंटीग्रेशन पूछा है ना, वो वाला तो आएगा ही आएगा, और साथ में x बाय टू आएगा, x बाय टू इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे भी x बाय टू इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पे भी x बाय टू इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या ये बात क्लियर है सबको, तीनों में ये वाली चीज तो आएगी आएगी, साथ में x बाय टू, साथ में x बाय टू, साथ में x बाय टू आएगा। हाँ जी बोलो। यस। उसके बाद तीनों में एक एक टर्म हो रहेगा, यहां पे माइनस का ए स्क्वायर है तो यहां माइनस ए स्क्वायर बाय टू आएगा, यहां प्लस का ए स्क्वायर है तो यहां प्लस ए स्क्वायर बाय टू आएगा, यहां प्लस का ए स्क्वायर है तो यहां प्लस का ए स्क्वायर बाय टू आएगा, सही है, याद रहेगा कहां माइनस है कहां प्लस है। यस सर। अब तीनों में एक एक टर्म और मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, भाई अभी जो हमने डिनोमिनेटर वाले तीन फॉर्मूले लिखे हैं ना, अपनी कॉपी देखो उसी के अंदर जो पहला फॉर्मूला है, क्या वो यही वाला एक्सप्रेशन था डिनोमिनेटर के अंदर,
यस सर। तो उसका आंसर क्या था? साइन इनवर्स एक्स बाय ए। दूसरे वाले का क्या था? एलन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीसरे वाले का क्या था? एलन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ जी यही थे। बोलो। यस सर। बस ये इंटीग्रेशन आ गया। ऐसे याद रखें कि तीनों में पहले x बाई टू के साथ वो टर्म आएगा, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई टू या माइनस ए स्क्वायर बाई टू आएगा, जैसा साइन है वैसा ही। और साथ में जो डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूलों का इंटीग्रल था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको इस फॉर्मूले को अलग से रटने की जरूरत नहीं है, आप सिस्टमेटिक तरीके से याद रखोगे तो कभी भूलोगे। ठीक है भाई, ये तीन फॉर्मूले नए आ गए। कोई परेशानी? नो सर। प्रूफ करने की बात करें तो एक मैं कर देता हूं, बाकी करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे कुछ खास। पहले मैं x की जगह एक cos थीटा रख दूं या a sin थीटा रख देता हूं, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये बन गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और dx बराबर क्या हो गया? a cos थीटा d थीटा। तो पहले वाले में देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा ए कॉस थीटा, और डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का डी थीटा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर बाय टू साइन टू थीटा बाय टू। हाँ जी लिख सकते हैं। यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा सर? ए स्क्वायर बाय टू बाहर लेंगे। ए स्क्वायर बाय टू कॉस टू थीटा माइनस का बाय टू, बाय टू आए। हाँ जी दो सर, साइन स्क्वायर थीटा। क्या कह रहे हो? साइन स्क्वायर थीटा आएगा सर। कहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा। क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा से है, इसका नहीं आएगा। तो कोस टू थीटा में क्या कर पड़े? सही है सर, ए एक्स प्लस बी वन लगाया इसमें। नहीं, इसमें क्या कर पड़े? बोलो। कुछ नहीं सर। तो सर आंसर तो आया नहीं। कोई गड़बड़ कर दी क्या हमने? dx गलत कर दिया हमने। dx a cos थीटा d थीटा है। तो ये बनेगा a स्क्वायर बाहर cos स्क्वायर थीटा d थीटा। और cos स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। तो आंसर आएगा a स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन टू थीटा बाय टू प्लस। ये आए? हाँ जी। तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स बाय ए। यहां पे देखो ए स्क्वायर बाय टू, टू से टू कट गया, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख दो। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? x by a, ट्रायंगल बनाओगे x by a, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए। इन दोनों की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूंगा तो ए स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा?
आपका एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, जो हमें चाहिए आंसर जो आया था अभी। ठीक है, तो ये नौ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब इनका एप्लीकेशन देखते हैं कि इनका डायरेक्ट यूज हम कैसे लेंगे या इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे, जो इवन एनसीईआरटी में भी हैं या जो बोर्ड में वगैरह में भी आते हैं। ठीक है, ये नोट कर लें तो चले आगे। तो इनसे कौन से क्वेश्चन बना करेंगे, वन अपॉन क्वाड्रेटिक, वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और रूट क्वाड्रेटिक। कभी कोई इंटीग्रेशन ऐसा दिखे जिसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है या डिनोमिनेटर में रूट क्वाड्रेटिक है और ऊपर कुछ नहीं है और सिर्फ रूट न्यूमिनेटर में रूट क्वाड्रेटिक है, तो समझ लेना क्वेश्चन इन फॉर्मूले से डायरेक्ट खट से, कुछ नहीं करना हो जाएगा। कुछ नहीं करना मतलब दिमाग नहीं लगाना, करना तो पड़े ही। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया हमने पहले टाइप का, वन अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का है ना, डी एक्स अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, इसको इंटीग्रेशन करो। तो क्या करेंगे हम, नीचे क्वाड्रेटिक वाले तीन फॉर्मूले हैं आपको याद है, एक तो ये वाला है वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक है वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका आंसर है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, इसका आंसर है एलन के अंदर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और इसका आंसर है एलन के अंदर एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये वाले तीन केस बताइए अभी याद है। यस सर। तो नीचे क्वाड्रेटिक है ना, तो इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब कैसे लगेगा वो आप ऐसे सोचो, आपको क्या करना है इस क्वाड्रेटिक को किस में कन्वर्ट करना है, या तो लीनियर का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर ऐसे कन्वर्ट करना है, या लीनियर का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, या कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस लीनियर का स्क्वायर। इन तीनों में से कोई एक चीज बनेगी ही बनेगी। वो कैसे बनाओगे, वो परफेक्ट स्क्वायर जैसे बनाते हैं। तो ध्यान दें, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका आता है कि जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट सबसे पहले 1 बना लो, तो 3 बाहर कॉमन ले लिया मैंने, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को बनाने का तरीका समझ लो, 3 बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 4x बाय 3 बच गया, 5 को तो अलग ही रख लिया। अब आपको पता है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अगर ये a स्क्वायर है और ये 2ab है तो आपका a की वैल्यू कितनी है x, 2ab की वैल्यू कितनी है 4x by 3 और a की वैल्यू है x, तो b की वैल्यू कितनी होगी 2 by 3 होगी। मतलब जब x square का कोफिशियंट 1 बन जाता है उस टाइम पे जो x का कोफिशियंट होता है उसका आधा क्या होता है b होता है, और उसका स्क्वायर जोड़ दो और उसका स्क्वायर घटा दो, तो मुझे प्लस b square और माइनस b square चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 3 ब्रैकेट के अंदर x square प्लस 4x by 3 तो था ही, 2 by 3 का स्क्वायर जोड़ दूंगा और 2 by 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और प्लस 5 तो बाहर है। अब ये तीनों मिलके अपना घर बसा लेंगे, क्या ये तीनों x plus 2 by 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है,
बोलो। हाँ जी बोलो भाई। यस सर। अब देखें तो ये क्या लिखा होगा, पूरे से 3 बाहर ले लिया तो 3 टाइम एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये इसको ओपन कर दिया तो -4/3 +5। अब देखो कॉन्स्टेंट कितना आ गया, 3 टाइम्स एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर तो है ही, माइनस 3 5 3 15, 15 माइनस 4 11/3 आ गया। ठीक है जी, तो अगर मैं पूरे से 3 बाहर लेता हूं तो क्या ये एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 11/9 आएगा, तो √11/3 का होल स्क्वायर। क्या मैं गिवन एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं परफेक्ट स्क्वायर में बना के? हाँ जी कोई तकलीफ किसी को? भाई लीनियर का स्क्वायर बनाना है, लीनियर का स्क्वायर बनाना है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब बचेगा या तो माइनस का कांस्टेंट स्क्वायर बचेगा या प्लस का कांस्टेंट स्क्वायर बचेगा, और अगर इसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो कांस्टेंट स्क्वायर माइनस लीनियर स्क्वायर भी बच सकता था, वो तो डिपेंड करता है। तो इन तीनों में से कोई तो एक बनेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना शुरू कर दिया। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मैंने बना दिया, उसके एक्स कोफिशिएंट का आधा स्क्वायर जोड़ तोड़ के देख लिया क्या बन गया, तो अल्टीमेटली इन तीनों में से कोई एक केस बन गया। यस सर। नाउ आप इसको क्या लिख सकते हो, डीएक्स अपॉन पूरे से 3 बाहर, तो 1/3 तो बाहर ही आ गया, और अंदर क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस √11/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपने से। बोलो। यस सर। अब फॉर्मूला बता दीजिए। अब ये वाला केस बन गया, 1/(x²+a²) वाला। यस सर। तो 1/3 तो बाहर है उसको छोड़ो, उसके बाद फॉर्मूला क्या है, 1/a। a क्या होता है, जिसका स्क्वायर होता है कॉन्स्टेंट, तो 1/√11/3 ये तो आ गया a। उसके बाद टेन इनवर्स, टेन इनवर्स के अंदर आता है x, x क्या है, x प्लस 2/3 और a खुद क्या है, √11/3 प्लस c। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, यहां 3 से 3 कट जाएगा एलसीएम के बाद, तो आंसर आएगा 1/√11 टेन इनवर्स 3x+2/√11+c। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो स्टैंडर्ड टिपिकल एकदम, मतलब देख से ही खट से करने वाला क्वेश्चन, कि नीचे क्वाड्रेटिक दिखी तो उसका काम तमाम ऐसे कर दिया। ठीक है भाई। यस सर। छाप लो। चले अब मान लो क्वेश्चन आ गया डीएक्स अपॉन x²-x। ठीक है, तो करने को तो हम ऐसे कर ही सकते हैं जो अभी बताया आपको, नीचे क्वाड्रेटिक है सर, क्वाड्रेटिक है तो x² का कोफिशिएंट 1 है,
माइनस वन, इसका कोफिशियंट कितना है माइनस वन, उसका आधा हाफ माइनस, माइनस हाफ का स्क्वायर एक बटा चार, तो एक बटा चार जोड़ दिया, एक बटा चार घटा दिया, तो क्या बन गया ये नीचे x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया भैया? बोलो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला केस बन गया नीचे? अरे क्या हो गया, नशे में हो, सो रहे हो क्या, आवाज नहीं आ रही? हाँ तो आंसर क्या आता है, वन अपॉन टू ए इंटू एल एन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये आता कि नहीं आता? लेकिन समझदार इंसान ना इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेगा, हालांकि कर सकते हैं स्टैंडर्ड है, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेगा, स्मार्ट बच्चा जो होगा ना x कॉमन लेकर डिफरेंस बन जाएगा, स्मार्ट बच्चा क्या करेगा इसके अंदर, वो बोलेगा नीचे दो फैक्टर है और उन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, yes, बस दुकानें अलग अलग कर दी, कहानी एक बार में खत्म हो गई। एलन मॉड एक्स माइनस वन माइनस एलन, तो ये रटी रटाई चीज नो डाउट ये काम आएगी। अब जैसे पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में नीचे क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर नहीं हो सकते थे ना, या वो फैक्टर गंदे थे मान लो, जो भी था, तो हमने वो कर लिया। लेकिन जब फैक्टराइजेशन इजीली दिख रहा है तो हम ऐसे ही करेंगे, तो हम इस चीज को एक नोट बना के ऐसे लिख सकते हैं कि इफ इन डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक इज फैक्टराइज्ड इनटू टू फैक्टर्स हूज सम और डिफरेंस कैन बी क्रिएटेड इन न्यूमिरेटर देन डू बाय दुकानें अलग अलग मेथड। अदरवाइज यूज स्टैंडर्ड वन बाय क्वाड्रेटिक मेथड, जो अभी तीन फॉर्मूले बताए, ठीक है ना, कि अगर फैक्टराइजेशन से काम बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जो है टिपिकल मेथड लेंथी मेथड, इससे तो अपन कर ही सकते। बात समझ में आ गई? आमिर दुग्गल साहब, दुग्गल नहीं है क्या? है सर। साफ सुन गया दुग्गल को? Yes, नहीं, तुम नशे में रहे तो क्लास में भी नशे में रहते हैं, तेरी लगी ट्रिप चल रही है भाई आजकल। सर जो ये सामने बैठे हैं सर, साथ में बोलने ही नहीं दे रहे, लिखने ही नहीं दे रहे भाई, झूठ बोल रहे। चलो तुम क्लास में बैठे हो क्या, अभी घर चले जाते हैं? चलिए, हाँ भाई, अब ये टाइप टू केस आ गया, वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप टू। हाँ जी बोलो। इसके अंदर तीन फॉर्मूले थे नीचे, वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स बाय वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका आंसर एलएन में आता है। तो अल्टीमेटली इसमें भी आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक को क्या लिखना है, या तो लीनियर स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट स्क्वायर, या लीनियर स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट स्क्वायर, या कॉन्स्टेंट स्क्वायर माइनस लीनियर स्क्वायर, और उसके बाद नीचे जो तीन फॉर्मूले होते हैं वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले, तीनों में से कोई एक यूज कर देना, सीधी सी बात है। तो इसमें तो फिर अलग अलग दुकानें हो ही नहीं सकती, क्योंकि रूट के अंदर फंस गई बेचारी रजिया, है ना। तो यहाँ तो ये मेथड लगाना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ आप क्या करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ध्यान दें, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बन गया।
अब आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने तो माइनस फाइव का आधा माइनस फाइव बाय टू का स्क्वायर आपने जोड़ दिया और माइनस फाइव बाय टू का स्क्वायर ही आपने घटा दिया। कोई परेशानी किसी को? हाँ जी, क्या ये तीनों चीजें मिलके x माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर बन जाएंगी कमरे के अंदर? Yes, sir. ये 25 बटा 4 है तो प्लस 6 माइनस 25 बटा 4 तो यहां से क्या आ गया x माइनस 5 बटे 2 का होल स्क्वायर 4 6 24 माइनस 1 बटा 4 और पूरे के बाद माइनस है माइनस को अंदर ट्रांसफर कर दिया तो 1 बाय 5 माइनस x माइनस 5 बाय 2 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स को आप ऐसे लिख सकते हो वन बाय टू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव बाय टू का स्क्वायर। हाँ जी बोलो। यस सर। तो बस क्वेश्चन में क्या आ गया डी एक्स अपॉन रूट के अंदर हाफ का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव बाई टू का स्क्वायर। एक्स की जगह लीनियर हो तो एक्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है चैप्टर और लेक्चर वन में ही बता दिया था। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये वाला साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स माइनस ये साइन इनवर्स होता है गधे सॉरी सर हाँ लगेगा थर्ड वाला लगेगा हाँ हाँ नहीं ठीक 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 भाई मेरे से गलती हो गई माफी कर दो। तो इसका आंसर क्या होगा साइन इनवर्स x by a plus c तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया साइन इनवर्स 2x माइनस 5 प्लस c। कोई परेशानी? हाँ तो समझ रहे हो ना भावनाओं को कि क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक आ गई तो किस तरह से डीलिंग करनी है। yes, sir. एक ऊपर वाला कर लेते हैं रूट क्वाड्रेटिक है ना फॉर्मूले लगाना और क्या करना है। चले नोट कर लिया तो अब टाइप थ्री मतलब क्या हो जाएगा इसके अंदर रूट क्वाड्रेटिक जिसके अंदर भी यही करना है क्वाड्रेटिक को लीनियर स्क्वायर माइनस कांस्टेंट या कांस्टेंट स्क्वायर प्लस लीनियर स्क्वायर या कांस्टेंट फिर माइनस लीनियर स्क्वायर करके वो तीन फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक तो मान लो क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स ये लिखा है आपका। ठीक है भैया तो आप इसको क्या लिख सकते हो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर ताकि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स एक बटा चार आपने इसमें यूज कर लिया तो प्लस कितना बच गया तीन बटा चार तो रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। सीधा इस पर ऐसे लिख सकते हैं भाई समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब ये कौन सी कैटेगरी है कांस्टेंट स्क्वायर प्लस लीनियर स्क्वायर तो इसके फॉर्मूला थी ऊपर के लिए बड़ा वाला फॉर्मूला था क्या कि सर x इंटू एक्स बाय टू इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर तो आता ही आता है प्लस ए स्क्वायर है तो बीच में प्लस ए स्क्वायर बाय टू आएगा और डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला आएगा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद है ये वाला फॉर्मूला भी बताया है ना? Yes, sir. और ये x है और ये a है तो आ जाओ भाई मैदान में x की जगह x प्लस हाफ नीचे दो रूट के अंदर x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाय टू का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब तीन बटा चार बटा दो एल एन एक्स के साथ एक्स प्लस हाफ प्लस रूट के अंदर एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर मोड प्लस इतना बड़ा इसका आंसर आएगा। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो आपको पता है कि ये चीज किसके बराबर है इसके बराबर और ये चीज किसके बराबर थी इसके बराबर तो इसको वापस एडिटिव जैसे लिख सकते हो एलसीएम लेके कि 2x plus 1 by 4 तो ये हो गया और इनटू में ये क्या लिखा है ये सिर्फ x square plus x plus 1 ही लिखा हुआ है plus 3 by 8 हो गया और इनटू में क्या लिखा है ln
टू एक्स प्लस वन प्लस ये रूट के अंदर क्या था, जाओ ये बाय टू रूट के अंदर ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस, ये आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा बड़े बड़े आंसर आते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, याद रखना पड़ेगा और फिर ऐसे प्रोसीड करना पड़ेगा। ये एकदम टिपिकल स्टैंडर्ड की, हाँ ये आ गया तो इसके बाद ये करना है। नीचे क्वाड्रेटिक, नीचे रूट क्वाड्रेटिक, ऊपर रूट क्वाड्रेटिक। एनसीईआरटी 7.4 इसी पे बेस्ड है। कोई परेशानी? तो अब इस टाइप के बार बार तो क्या करने हैं, सेम टाइप अपने इसका एप्लीकेशन करते हैं, जेई ओरिएंटेड, जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, कुछ सब्स्टिट्यूट करके फिर ऐसा बने या इस तरह का मतलब कुछ, है ना? तो अपन आगे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, बोर्ड लेवल के इतना बहुत है इस पर। ठीक है, मैं डालूं? यस सर। हाँ भाई, तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने दोनों को सेपरेट करके कर लिया, यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन काम कर गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रख के, और यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। सेम लॉजिक से सोचा कि चलो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू कर दिया, दुकानें अलग अलग कर दी, तो ये कट गया, ये इंटीग्रेशन तो हो ही गया। अब यहाँ फंस गए, यहाँ क्या करें सर, मतलब ये बच गया अपना टू बाहर, वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ना तो ये कॉमन लेके एडजस्ट हो रहा है कि यहाँ से कॉमन ले लिया, मान लो यहाँ कुछ ना होता, x बाहर क्यूब बन जाता तो वन अपन एक्स का डेरिवेटिव वन अपन एक्स क्यूब बन जाता तो निपट जाता, लेकिन यहाँ तो पावर सिक्स है, क्या करें? सर कैसे किया? किया कहाँ, मैं तो पूछ रहा हूँ कैसे करें। अच्छा हाँ देखो, चलाकियां करनी पड़ती हैं। वन के अंदर x की पावर सिक्स जोड़ दो और x की पावर सिक्स घटा दो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दुकानें अलग अलग करेंगे तो x की पावर सिक्स x की पावर सिक्स उठ जाएगा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर वाला हो जाएगा। ध्यान दो, बोलो भाई। यस सर। ये पूरे ब्रैकेट के अंदर ये चल रहा है, तो यहां से तो ये निपट गया, इसका इंटीग्रेशन तो आ गया टेन इनवर्स एक्स। और इसको फैक्टराइज कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एक्स की पावर सिक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। इधर से ये कट गया तो तीन इंटीग्रेशन आ गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर। कर लेंगे? हाँ भाई, खेल समझ में आया? बोलो।
चलो छाप लो। बोर्ड वोर्ड के लिए ये क्वेश्चंस थोड़े अपर लेवल के हो गए हैं तो वो छोड़ सकते हैं, हालांकि पिछले साल तक तो आदि शर्मा के क्वेश्चंस आ जाते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस साल ये पेंडेमिक की वजह से ना तो काफी इजी और लीनियर पेपर कर दिया, बहुत सारी चीजें हटा दी हैं। हमें चले yes, नीचे वाला तो बच्चे बच्चे को दिख रहा होगा, प्रदीप भैया बताएंगे क्या करें इसमें। कुछ भी हो यार उससे क्या फर्क पड़ता है। प्रदीप भैया सर ऊपर ऊपर बना लो, मतलब यही वाला सेम चीज। तुम तो यार पागलों वाली बातें कर रहे हो, अबे e की पावर x को t रखा और e की पावर x dx dt बन गया, तो ये क्या लिखा है dt अपॉन t माइनस 1 इनटू t प्लस 4, सीधी बात है, क्या ऊपर बना लो और क्या ना बना लो, अब कर लो इसको, दो फैक्टर अलग अलग हो गए। अबे समझ आई बात? यस सर। दोनों का डिफरेंस 8 है, 8 तो 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया, 1/8 ln mod t माइनस 1 माइनस ln mod t प्लस 7 प्लस, लास्ट में t की वैल्यू रख देना, ठीक है। ये तो चिरकुट क्वेश्चन था, देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये t और ये dt तो ये क्वाड्रेटिक लिखा है, वन क्वाड्रेटिक वाला के उसमें भी फैक्टराइजेबल वाला केस है, सही है। यस सर बता दे। यस सर चले आगे। यस सर। यस सर समझ में आ रहा है ना, देखो बाकी ये चीजें प्रैक्टिस का खेल है, जरूरी नहीं है कोई क्वेश्चन हो ना हो, पॉइंट ये है कि हमें मैनिपुलेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूले ट्रिक्स ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए और उस पर फिर हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि सिर्फ थ्योरी देख के वीडियो लेक्चर देख के क्वेश्चन होने लगेंगे, नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का रूट 1/x² dx का इंटीग्रेशन। अब ये सारे मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, अच्छे क्वेश्चंस लिख लेना स्टार वाले, जो मतलब कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं कि हाँ यार अच्छी होता है ऐसे होता है ना। चलिए है सब सब्स्टिट्यूशन वाले। एक बात बताओ, क्या मैंने ऐसा कुछ स्टैंडर्ड बताया कि ऐसा देखे कि कुछ रख दे उसमें सब्स्टिट्यूट कर दे? बोलो सर। रिएक्शन लाइफ मैंने क्या पूछा उसका जवाब दो पहले, मैंने जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए उसके अंदर क्या ये था? यस सर, कुछ एक्स टू थीटा, एक कुछ एक और टू थीटा। बेटा गधे हो तुम, गधे। चलो ऐसा करो, एक्स की जगह ए कॉस टू थीटा रखो, क्या बनेगा ये, क्या होता है ये, माइनस 10² थीटा। तो रूट के अंदर नेगेटिव डाल दूं मैं, हैं? नो सर। तो यार मुंह फाड़ने से पहले सोचा करो, स्टैंडर्ड ये था, ये ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, इसमें x की जगह a cos 2 थीटा डाल के हो जाता है।
अगर इसमें आपको डालना है तो एक्स को ए सेक टू थीटा डालना पड़ेगा ताकि वो न्यूमिनेटर में जाएगा और फिर सेक सेक कट जाएगा, ऐसे नहीं होगा। बात समझ में आई? तो अगर मैं उस पर्पज से सोचूं, और दूसरी चीज मुझे क्या फील दे रही है, ये बाहर सारा ये 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या कर रहा है? तो मैंने कल एक चीज बताई थी, डीएक्स के साथ क्या है 1 बाय एक्स स्क्वायर, वो किसके डेरिवेटिव से आया है, माइनस 1 बाय एक्स से। तो क्या बचा हुआ फंक्शन माइनस 1 बाय एक्स में लिखा जा सकता है? बोलो। अगर मैं यहां डिवाइड बाय एक्स कर दूं तो 1 माइनस 1 बाय एक्स अपॉन 1 प्लस 1 बाय एक्स नहीं दिख रहा मूर्खों? है तो 1 माइनस 1 बाय एक्स को अगर मैं टी बोलता हूं, टी, तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या बन गया आपका? डीटी। बोलो। तो ये कितना हो गया माइनस डी टी। तो क्वेश्चन क्या हो गया, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी का रूट इनटू में माइनस डी टी। यहां पहुंच गए? बोलो। यस सर, यस। अब ये कॉस टू थीटा, अब एक्स टी को क्या रख दे, कॉस टू थीटा, तो आपका काम बन जाएगा। बात समझ में आई? यहां से टी को क्या रख दे, कॉस टू थीटा, तो डी टी क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन टू थीटा। तो क्वेश्चन बन गया, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा का रूट डी टी की जगह माइनस टू साइन टू थीटा डी थीटा, और बाहर एक माइनस, ये बन गया आपका इंटीग्रल आई। ये माइनस से माइनस निपट गया, 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कोस टू थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, है ना। जिनको नहीं याद उन्हें याद होना चाहिए, 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कोस टू थीटा को दुनिया वाले क्या बोलते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, टेन थीटा, और ये 2, और फिर 2, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा। टेन थीटा को लिखा साइन बटा कॉस इंटू 4 इंटू साइन कॉस डी थीटा। कॉस से कॉस कट गया तो क्या आ गया, 4 इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, मतलब 4 के साथ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। आंसर क्या आ गया, 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस सी। आंसर आ गया आपका 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस सी। अब थीटा को क्या निकाल लोगे, टी के टर्म्स में अभी, और टी से वापस फिर एक्स में, तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे अपने आप अब आगे जाके। यस सर। या यहां से एक मेथड टू भी सोच सकते थे, रैशनलाइजेशन का। रूट दिखा तो रैशनलाइजेशन की बात हमारे दिमाग में आई, तो मैंने क्या करा, रूट 1 माइनस टी अपॉन रूट 1 प्लस टी को लिख दिया इनटू रूट 1 माइनस 1 प्लस टी, और नीचे रूट 1 प्लस टी, नीचे से रूट हटाना है मुझे, है ना, तो डी टी सही है। नीचे से हटाऊं या ऊपर से हटाऊं, ऊपर से हटाने में ज्यादा फायदा रहेगा यहाँ, ऊपर से हटाएं फिर अलग अलग हो जाएगी। हाँ, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो देखो ये माइनस था, रैशनलाइजेशन कर दिया तो ऊपर आ गया 1 माइनस टी और एक माइनस, और नीचे आ गया रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो ये क्या बन गया, टी माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। दुकानें सेपरेट कर लोगे तो पहला पार्ट तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, जेड मान लिया तो ये डी जेड दिख रहा है, और ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला
वन माइनस टी स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कर लेंगे आगे भैया कुछ। यस सर, सही है। अभी तो बस ये चीजें सीखने वाली होती है, जैसे जैसे हम प्रोसीड करते हैं, देखो ये कर सकते हैं या ऐसे ले जा सकते थे, पहले डिवाइड क्यों किया, क्योंकि दिमाग में वन बाई एक्स स्क्वायर दिखा, तो ये सारे फंडे आप जैसे जैसे मतलब वही बेसिक मैथ्स को साथ लेके चलेंगे तो आपको चीजें थोड़ी सी इजी होती जाएंगी। हाँ भाई इधर वाला रब कर दे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट डी एक्स और बाहर एक्स, बताओ क्या क्या। क्या दिख रहा है, रूट में नीचे क्वाड्रेटिक है लेकिन ऊपर भी कुछ है, बाहर नीचे एक्स भी है। कुछ कॉमन लेके भी सब्स्टिट्यूशन होता है, याद है बताया था, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर बाहर ले लूं, ले लो यही है, लेला नहीं है ना, एक्स स्क्वायर बाहर लोगे तो रूट से निकलने के बाद बाहर एक्स आएगा कि एक्स की पावर फोर आएगा, ये एक्स की पावर फोर वाला इतना जोश से बोला उसे ये पता नहीं सबसे गलत मैं ही हूं दुनिया में। एक्स स्क्वायर आएगा, अंदर क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर माइनस, यहां से एक्स लोगे तो बाहर एक्स स्क्वायर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी बाय एक्स का होल स्क्वायर, यही बनेगा। ये एक्स स्क्वायर ऊपर भेज दिया तो ए माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर, नीचे सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाय एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। हाँ भाई चमक गया, क्या करना है अब तो शीशे की तरह साफ दिखना चाहिए, क्या करना है, बस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स को टी बोलोगे तो ए माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बन गया आपका, डी टी, तो क्वेश्चन बन गया डी टी अपॉन रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, आंसर क्या आ गया, साइन इनवर्स टी बाय सी प्लस सी, सही है। तो रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक थी ना उसको फिर मैंने ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के हिसाब से बाहर निकाल के तो हिट एंड ट्रायल लगाया तो वो बन गया, आया समझ में। हाँ जी अरे बोलो, आया नहीं आया तो पूछ लो, आगे से आगे तो अच्छी बात है,
अगला सोचो, सब अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको देखते हैं क्या फील आती है कि सर फैक्टराइजेशन कर लिया ना, यही फील आती है कि नहीं आती? तो ये फील आपको कुछ कॉन्फिडेंस भी देती है कि चलो कुछ तो हुआ, आगे चलते हैं। अब रूट के अंदर ऊपर कॉस, नीचे वन प्लस कॉस स्क्वायर बन गया, अब क्या करें? किससे मल्टीप्लाई कर दूं? ऊपर नीचे cos x से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला रूट हटा दूं। चलो, तो ऊपर बन गया cos, नीचे बन गया cos plus cos square plus cos cube का रूट। अब dx के साथ cx है, तो क्या बचा हुआ फंक्शन cos किसके डेरिवेटिव से आता है? sin के। क्या बचा हुआ फंक्शन sin के टर्म्स में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता, ये पावर ओड आ गई भाई। cos इंटू वन प्लस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, चलो इसको लिख लोगे वन माइनस साइन स्क्वायर, इसको लिख लोगे वन माइनस साइन स्क्वायर, ये वापस रूट के अंदर फंस जाएगा ना। yes, रूट में रूट आ गया, ये तो गंदा काम हो गया, तो ऐसे तो नहीं फायदा। अब कुल मिला के बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जब अपन सोचते हैं करते हैं नहीं बनते, तो इस वे में ये प्रोसीडिंग नहीं होता दिखाई दे रहा किसी के दिमाग में कुछ। जैसे अभी आदित्य ने बताया था, अच्छा थोड़ा था कि रूट फ्री कर दिया, लेकिन अब मैंने सोचा dx के साथ cos है तो बच्चा को फंक्शन साइन के डेरिवेटिव में लिखा जाना चाहिए, तभी तो उसको t मान के cos dx dt बनेगा, नीचे क्वालिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन नीचे वाली ये जो क्वाड्रेटिक है लफड़ा इसके साथ ये है, ये सारी साइन के टर्म्स में सुंदर पावर में नहीं लिखी जा पा रही है। cos स्क्वायर लिखा जाएगा, वन प्लस cos स्क्वायर भी लिखा जाएगा, पर इंटू cos बच जाएगा, और वो cos को क्या लिखोगे? रूट वन माइनस साइन स्क्वायर, तो रूट में रूट फंस जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। समझ में आई बात? तो ऐसे करना कोई काम नहीं आएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सोचना सुनी। अब इसको दूसरे एंगल से देखते हैं, ध्यान दें। अगर मैं इसको ऐसे एंगल से देखूं, ऐसे एंगल से ऊपर लिखा है रूट कॉस एक्स इंटू लिखा है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का रूट, कोई दिक्कत है क्या इसमें? बोलो, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया? साइन स्क्वायर, तो साइन इंटू रूट कॉस एक्स डी एक्स, नीचे रूट वन माइनस। अब आप सोचो dx के साथ कौन है? साइन इंटू रूट कॉस, तो साइन इंटू रूट कॉस किसका डेरिवेटिव होगा जब कॉस की पावर हाफ होगी? यह थ्री बाय टू होगी, थ्री बाय टू होगी, ताकि थ्री बाय टू आगे आएगा, कॉस की पावर हाफ बचेगा इंटू साइन एक्स आएगा। बात समझ रहे हो? कॉस एक्स की पावर थ्री बाय टू का डेरिवेटिव क्या ये होगा? थ्री बाय टू इंटू कॉस एक्स की पावर हाफ इंटू माइनस साइन एक्स। बोलो, हाँ जी, सर अंडर रूट में वन माइनस कॉस एक्स नहीं बचेगा जब आपने अंडर रूट कॉस एक्स को मन निकाले, तो मुझे लग रहा है गड़बड़ कर दी मैंने। क्यूब है, क्यूब क्यूब है, है ना, क्यूब है। तो चलो अगर इस एंगल से भी सोचते तो कॉस, अगर मैं यहां से सोचता तो वन माइनस कॉस स्क्वायर बचता, और वन माइनस कॉस स्क्वायर फैक्टराइज करता तो वन माइनस कॉस इंटू वन प्लस कॉस बचता, ये कट जाता, तो यहाँ कॉस इंटू वन प्लस कॉस बच जाता, तो इधर से तो अपना कोई इतना आउटपुट आया नहीं।
इधर की बात करें तो ये आ गया भैया यहाँ से, सही है। तो मैंने क्या सोचा कि इसका डेरिवेटिव ये होता है कि नहीं होता, मतलब इसको इसके साथ देख के सोचा ये किसके डेरिवेटिव से आया होगा, तो आपको नीचे दिख जाएगा कि cos 3/2 की x की पावर स्क्वायर लिखा होगा नीचे, दिख रहा है। हाँ जी, इसको t बोल दिया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 3/2 रूट cos x माइनस साइन x dx बराबर dt। तो रूट cos x साइन x बराबर डी एक्स बराबर माइनस टू डी टी बाय थ्री, क्या ये चीज सही है? कर लेंगे आगे। अभी ये क्या बात होगी, चार चार ही लोग रह गए हैं, ये प्रदीप प्रदीप के दर्द हो गया क्या छाती में? चलो समझ में आ गया। yes, चलो ठीक है, फिर बाकी बातें अपन कल करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय।